नमस्कार व्यूअर्स, पलकों की छांव सीजन 2 में देखने को मिले काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां पर देखने को मिला कि अब जैसे ही नंदनी और सुमन तैयार होने लगती है तो दोनों के बीच बहस हो जाती है। सुमन कहती है कि पहले मैं तैयार होंगी, तो वहां पर नंदनी बोल देती है कि पहले मुझे तैयार होना है सुमन, तो वहां पर सुमन बोल देती है तुम्हें पता ना अगर मैं लेट हो गई तो बड़ी माँ का मेरे ऊपर कितना बड़ा कहर बरसेगा और मैं बड़ी माँ को गुस्से में नहीं करना चाहती हूँ। तो वहां पर सुमन बोल देती है ठीक है मेरी ननंद जी, पहले मैं तैयार हो जाती हूँ फिर आप तैयार हो जाना। तो सुमन तैयार होकर बगीचे में जा रही होती है, रास्ते में नंदन आ जाता है, उसे रोक लेता है, उसके काफी करीब आ रहा होता है, उसे किस लेने की कोशिश करता है तो सुमन उसे किस नहीं दे रही होती है, बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। अब जैसे बगीचे में पहुंचती है तो वहां पर उसे एक भी फूल दिखाई नहीं देता है, तो अंशुमान को बोल देती है कि अंशुमान जी आपने ये क्या किया, आपने मेरे आने से पहले ही सारे फूल तोड़ लिए, मुझे पूजा के लिए लेकर जाने थे। तो वहां पर अंशुमान बोल देता है नहीं सुमन, मैं तो दादू के लिए पत्तियां लेने के लिए आया हूँ, मैंने फूल नहीं तोड़े हैं। तो वहां पर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम दोनों ने फूल नहीं तोड़े तो फिर किसने तोड़े होंगे। तो वहां पर तान्या पहुंच जाती है घर के अंदर और जो आरती का थाल होता है फूलों के साथ वो भी तैयार कर देती है और फूल तोड़ कर ले जाती है, जहां पर सब उसे एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी समझ रहे होते हैं। लेकिन अंशुमान भी कुछ अच्छे तरीके से उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं शक होता है। तो वहां पर जो सुमन होती है उसके सामने कर देती है तान्या चैलेंज, बोल देती है कि बहुत जल्द मैं इस घर की बड़ी बहू बन जाऊंगी। तो वहां पर देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या सुमन रोक पाएगी तान्या को उसके मनसूबों में कामयाब होने से।